डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। चैप्टर नेम है फ्रैक्शन। इसमें सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई के क्वेश्चन हैं, यानी कि जो फ्रैक्शन है उनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुक आपके पास होनी चाहिए क्वेश्चन को रीड करने के लिए। फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ए पार्ट है इसका, टू राइट 4/15 मल्टीप्लाई 20। सोल्व करेंगे। देखो, सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो राइट में यहाँ पे है टू राइट, तो इसको ओपन करेंगे। तो 15 टू जा 30 और प्लस 4, यानी कि देखो इसको राइट करने का तरीका यह है, 2 × 15 प्लस 4/15 मल्टीप्लाई 20 इक्वल से ब्रैकेट में रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे। पहले इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 30 और प्लस 4 34 upon 15 into 20। चाहो तो इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे करते हैं, यानी कि ठीक है। और मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसे लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये 15 और 20 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20। अब कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 13 अपॉन 3 × 3 = 136/3। इसको चेंज कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 3 से इसे डिवाइड कर लेना, यानी कि 136 को 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करोगे तो ये होगा 4 और 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15, बचेगा 1 upon 3। ये सोल्व कर देख लेना, 3 × 4 = 12, 1 × 3 × 5 = 15, ठीक है। तो 45 राइट 1/3, दैट्स आंसर। बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, बी पार्ट में भी हमें जो है मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन है 5 right 5/6 मल्टीप्लाई 1 right 5/7। सोल्व करेंगे, राइट को ओपन करेंगे, 6 × 5 = 30 और प्लस 5, तो 35 upon 6 मल्टीप्लाई 7 × 1 = 7 और 5 = 12 upon 7, ठीक है। अब पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, इसको चेंज मतलब कैंसिल करेंगे। 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12 और 7 × 1 = 7 और 7 × 5 = 15, सॉरी 7 × 5 = 35। सोल्व करेंगे, अब इसे जो है 5 × 2 = 10 और 1 × 1 = 1, 10/1 और 1 को अपॉन में लिखते हैं, तो ये जो है हो जाएगा 10 आंसर। इसी प्रकार से इसके सी पार्ट, डी, ई और एफ सेम पार्ट है, आपको जो है प्रैक्टिस के लिए करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें भी हमें फाइंड करनी है प्रोडक्ट। ए पार्ट दिया हुआ है इसमें, 3/8 of 40, ठीक है। तो ये ऑफ लिखा हुआ है, यहां पर हम करेंगे मल्टीप्लाई 3/8 of 40, इट्स मीन दैट 40 × 3/8। सोल्व करेंगे, जिसे ऊपर सोल्व किया है, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, 5 × 3 = 15, 15 upon 1, 1 को अपॉन नहीं लिखेंगे तो छोड़ देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर होगा 15 आंसर। सेकंड है बी पार्ट इसका,
थ्री अपॉन 25 ऑफ 150। सोल्व करेंगे 150 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई और 3 अपॉन 25 सोल्व करेंगे, 25 से डिवाइड होगा 6 टाइम, तो 6 थ्री जा 18 आंसर। ठीक है, सेम पार्ट है इसके सी डी ई एफ, ये आपको करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें भी हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है। क्वेश्चन थर्ड, इस क्वेश्चन में भी हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है। गिवन 9 अपॉन 18 ऑफ रुपीज 90। सोल्व करेंगे, ऑफ के रिप्लेस लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 90 रुपीज। सोल्व 18 फाइव जा 90 और 9 फाइव जा 45 रुपीज। दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट, सेम इसी टाइप क्वेश्चन है। यह है 4/7 ऑफ ए वीक, 4/7 ऑफ ए वीक यानी कि 4/7 पार्ट ऑफ ए वीक एक सप्ताह का, और एक वन वीक में कितने डे होते हैं, 7 डे, तो इसको डे में चेंज कर लेंगे। हम लिखेंगे 4/7 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई वन वीक यानी कि 7 डेज, यहाँ लिखोगे आप 7 डेज। ठीक है, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, 4 1 जा 4 डेज। दैट्स आंसर। सी पार्ट है 3/10 ऑफ ए लिटर, 3/10 ऑफ ए लीटर। सोल्व करेंगे 3/10 ऑफ यानी मल्टीप्लाई ए लीटर, अब इसको 1 लीटर को हम चेंज कर देंगे मिल लीटर में, तो 1000 1 लीटर में 1000 मिल लीटर होता है। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इसे डिवाइड करेंगे, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 100, तो 100 × 3 300 मिली लीटर। That's answer. ठीक है, आगे क्वेश्चंस सेम इसी तरह के हैं, क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्वेश्चन ए पार्ट है, 22/25 × 10/27 × 36/55। सोल्व करेंगे, सोल्व करने से पहले देखो मल्टीप्लाई में जब हम करेंगे तो ऊपर की ऊपर नीचे नीचे, बट लोवेस्ट फॉर्म में बना लेंगे इसको, यानी कि ऊपर की डिजिट जो है नीचे डिजिट से कैंसिल कर लेंगे। ये 36 और 27 9 से डिवाइड रहे हैं, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। यहाँ पर 22 और 55 11 से डिवाइड है, 11 2 जा 22 और 11 5 जा 55। नाउ 5 से 1 टाइम, ये 10 जो है डिवाइड रहा है 2 टाइम, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। नाउ कोई भी नंबर यहाँ पे अब डिवाइड नहीं हो रहा है, जो आपस में कैंसिल हो रहा हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, 16/25 3 जा 75। दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है, ये भी सिंप्लीफाई क्वेश्चन है। बी पार्ट आपको करना है, बहुत ही इजी है, हम कर रहे हैं इसमें डी पार्ट। डी पार्ट में राइट जो है ओपन करने हैं,
बाकी सब सेम है। ये है डी पार्ट में, टू राइट टू अपॉन 17, टू राइट टू अपॉन 17 इंटू वन राइट 33 अपॉन 52 इंटू सेवन राइट टू अपॉन 9 इक्वल। सबसे पहले राइट को ओपन करेंगे, 17 टू जा 34, 34 प्लस 2 ये हो जाएंगे 36 अपॉन 17 इंटू 52 वन जा 52 और प्लस 33 ये हो जाएंगे 85 अपॉन 52। फिर मल्टीप्लाई 9 7 जा 36 सॉरी 63, 9 7 जा 63, 63 और प्लस 2 65 अपॉन 9। सोल्व करेंगे जैसे ऊपर किया, ठीक है। यहाँ से देखो 52 है और ये 17, 17 और 85, 17 वन जा 17 और 17 5 जा 85, 9 वन जा 9 और 9 4 जा 36 और 52 और 65 ये 13 से डिवाइड रहे, 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65 और 4 से 4 भी डिवाइड हो रहा है वन टाइम, ठीक है। अब जो हमारा जो नीचे डेनोमीटर बचा है वो 1 1 जा 1 बचा हुआ है और 1 को नीचे लिखते नहीं, तो इसलिए हम लिखेंगे 5 5 जा 25, 25 दैट्स आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 इन सब में मल्टीप्लाई क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ऑरेंज आर सेलिंग एट द रेट 20 राइट टू अपॉन 5 रुपीज पर केजी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए 1 राइट टू अपॉन 3 केजी ऑरेंज। तो इनमें क्वेश्चन में 5 6 7 8 9 और 10 इन सभी क्वेश्चनों में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई जैसे करोगे आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, देखो बच्चों इन सभी क्वेश्चनों में आपको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑरेंज आर सेलिंग एट द रेट ऑफ 20 राइट 1 टू अपॉन 5 रुपीज पर केजी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 राइट टू अपॉन 3 केजी ऑरेंज। यहां से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में भी मल्टीप्लाई करनी है, 1 लीटर जो मिल्क है वो 24 राइट 1 बाय 2 रुपीज का है, तो 8 लीटर का जो है यहां पर कॉस्ट पूछ रखे हैं, तो 8 लीटर के द कॉस्ट ऑफ 8 लीटर इक्वल टू हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ 8 लीटर इक्वल टू 24 राइट 1 बाय 2 इंटू 8, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। द फेयर फ्रॉम जयपुर टू कोटा इज 160 रुपीज, ठीक है, फाइंड द फेयर ऑफ 4 राइट 1 बाय 2 टिकट्स। तो क्या करना है इसमें, मल्टीप्लाई कर देनी है 160 की और 4 राइट 1 बाय 2 की, इसका राइट को ओपन करके मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चनों में मल्टीप्लाई करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसके लिए, ठीक है। आज के लिए आपको यहाँ तक का कार्य कंप्लीट कर लेना है।